उन्होंने ये कहा कि ये बहुत नाइंसाफी इसलिए है कि पाकिस्तान ने तो इतनी मदद की अमेरिका की अफगानिस्तान के सिलसिले में, और इस सिलसिले में कि पाकिस्तान का अमेरिका से जो अफगानिस्तान के लिए तामुन रहा उससे ये कॉन्ट्रेडिक्टरी है, अनवारंटेड है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आलिया, ये अभी एक हॉरर मूवी का एक ट्रेलर शुरू हुआ है। अभी अभी पूरी हॉरर मूवी तो चलेगी अभी आगे। मैं एक वाहिद आदमी हूँ वॉशिंगटन डीसी में जो मुसलसल पिछले 5 साल से पाकिस्तानी करंट एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन मेकर्स को कह रहा हूं कि यहां पे इंडियन लॉबी आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है, और ये उसी इंडियन लॉबी का रिजल्ट है। ये बल्कि इस बिल को मैंने एक दफा नहीं, कुछ 4-6 दफा पढ़ा है, और लग बिल्कुल इस तरह रहा है ये किसी इंडियन ने लिखा है, किसी अमेरिकन ने नहीं लिखा। इसमें से इंडियन स्मेल आ रही है कि उसके किसी के अंदर सिफारिशात पेश की गई है कि उस रीजन में इंडिया को डिफेंस और मौशी तौर पे स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो तालिबान और चाइना का मुकाबला कर सके। चाइना जिस तरीके से चाइना की वहां पे मादनियात पे नजर है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि चाइना को रोका जाए। और ये इसको 22 सेनेटर जो है उनकी सपोर्ट हासिल है। जो इसको पेश करने वाला सेनेटर है उसका नाम जिम रिश्क है, और वो एडाहो से सेनेटर है। इसी सेनेटर का बैक ही इज नॉट अ पॉपुलर सेनेटर, लेकिन उसका बैकग्राउंड ये है कि उसने टर्की के ऊपर भी सैंक्शंस की सिफारिशात उसी ने बिल पेश किया। उसी ने इसराइल की सपोर्ट में कई बिल पेश कर चुका है पहले, लेकिन यहां पे दो सेनेटर बड़े जो पॉपुलर है, मिट रामनी और मार्को रूबियो, उनकी सपोर्ट हासिल है। लेकिन पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग ये है कि एक तो आपको अपने पड़ोसी मुल्क के इंडिया के आपके अजायम नजर आ रहे हैं, और अगर खुदा ना खास्ता कल को चाइना आपके साथ, जिस तरह लग रहा है चाइना इतनी इतनी आजकल चाइना सर्द बोरी का मुजाहरा कर रहा है, वहां पे सिर्फ उन्होंने चंद पीटर्स भेजे हैं और उसके बाद बैक सीट पर बैठ चुके हैं, और अगर इसी तरह हालात रहे तो फिर अमेरिकन अग्रेसिवली और इंडिया अग्रेसिवली उसमें आगे जाएगा, और यही बिल आगे जाके फाउंडेशन बनेगा पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस का और एम्बार्गोस का। तो असल में वर्सेस इंडियन, उनकी लैंग्वेजेस, उनकी लैंग्वेज पे ग्रिप, उनकी कल्चर पे ग्रिप, उनकी तालीम, उनके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और उनके एम्बिशंस। आखिर मोदी साहब ने बार बार यह कहने की कोशिश की है कि मोदी साहब की नेशनलिस्ट मूवमेंट कामयाब है, उन्होंने हिंदुओं को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया है, चाहे वो अमेरिका में रहने वाले हिंदू हो, चाहे वो इंडिया में रहने वाले हिंदू हो। इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी से है, और उसको काउंटर करने का पाकिस्तान का ना कोई प्रोग्राम था, ना है और ना नजर आ रहा है, और ना यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी उसको काउंटर करने की सलाहियत रखती है। क्योंकि मैं खुद पाकिस्तानी अमेरिकन हूं और मैं एक्टिव हूं कई चीजों में, लेकिन मुझे नजर नहीं आता आज तक। मैंने देखे, मैंने इसकी कई दफा मिसाल दी आपको, 5-6 इस वक्त 5-6 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन मौजूद हैं, 2 सदारती सदर निकी हेली बॉबी जिंदल, और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि न्यूयॉर्क में पॉपुलेशन हमारी इतनी है पाकिस्तानियों की, एक काउंसिलमैन भी नहीं है वहां से, कांग्रेसमैन होना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा साजिद साहब, एक जो आपने चाइना का जिक्र किया उसके वाले से भी एक खबर, तो ये हमारे वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने ये मान लिया और एक्सेप्ट कर लिया कि जो सी पैक है उसका जो है वो उसमें ताखीर हुई, लेकिन साथ ही कहा कि जल्दी जो है वो इसके ऊपर, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो आप कह रहे हैं कि चाइना से पाकिस्तान के ताल्लुकात इसका मतलब है कि बेहतर नहीं है। जाहिर है अगर सी पैक सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है जिसको हम गेम चेंजर कहा करते थे, जिसकी बिना पर जो है हम कहते थे कि बस आगे तो हमारी तरक्की ही तरक्की है, अगर वही वजीर आजम ने भी एक्सेप्ट कर लिया, ये कह दिया कि देखिए, मैं पहले पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के आज हालात बिल्कुल इस तरह है कि पाकिस्तान 0 पॉइंट पे खड़ा है, उसके पास वैगन का टिकट नहीं है, पाकिस्तान उसको कोई पता नहीं कि उसने अपारा मार्केट की तरफ जाना है या फैसल मस्जिद की तरफ जाना है, उसको बिल्कुल नहीं अभी तक पता चल रहा कि आप चाइना के साथ हैं, आप अमेरिका के साथ हैं, आप किसके साथ हैं, आप पाकिस्तान के भी साथ हैं या नहीं है। इस वक्त हालात ये चल रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की फॉरन पॉलिसी के हालात है कि जिस तरीके से यहां पे कुरेशी साहब आए, यहां पे हमारे मेहरबान शहरयार अफरीदी साहब जिस तरह आके उन्होंने यहां अमेरिका की आंखें खोलने की कोशिश की, और जो हमारे अलमबरदार सबसे बड़े हैं इमरान खान साहब, उन्होंने डिप्लोमेसी के लिए इतनी अच्छे लोग यहां भेजे, ये तो आपके हालात है। दूसरा उसमें यह है कि आपकी एडवोकेसी मुसलसल, देखिए मैं उसकी कंफ्यूजन में बताता हूं, हर बंदे से ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की मदद करें, फिर साथ ही कह देते हैं हम तालिबान के नुमाइंदे नहीं है, कंट्राडिक्शन, कहते हैं हमारे तालिबान के साथ कोई असर नहीं, वी डोंट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन देम, वी डोंट हैव एनी। इस बिल में ऊपर एक सबसे चीज मैं भूल गया हूं, इस बिल के अंदर एलिगेशन लगाई है कि पंजशेर वैली के अंदर आपने उनकी मदद की है। ये मुझे बताया कि 22 सेनेटर थे पागल है, वो उनको फिक्शन था, रात को ख्वाब आया कि पंजशेर वैली का नाम जिक्र उन्होंने बिल में लिख के कांग्रेस के सामने पेश कर दिया, लेकिन आप मुसलसल दूसरी साइड पे खड़े हैं, आप कहते हैं जी हम तालिबान के नुमाइंदे नहीं है। अच्छा अगर नहीं है तो दुनिया को एक्सप्लेन करें, आप छुप के क्यों बैठ जाते हैं? यही एक मसला है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की कोई जामिया पॉलिसी नहीं है, पाकिस्तान अभी तोशा खाना से नहीं निकल पा रहा, आप अपनी एक्सटेंशनों में फंसे हैं, आप अभी तक अगले शहबाज शरीफ साहब की थोड़े से डॉलर में उनके वो पाउंड छूटे हैं, आप वहीं से नहीं निकल पा रहे, आपके इंटरनल इश्यूज हैं, आप भी फॉरन पॉलिसी पर बिल्कुल फेल है, जीरो है, आपके ना नुमाइंदे हैं ना आपका कोई बयानिया है। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा तालिबान, तालिबान ने जो तालिबान जिस तरीके से, मेरा जो एक आइडिया था कि ये तालिबान के बच्चे हैं, ये वो तालिबान नहीं है जो मुल्ला उबर के, उनके बच्चे हैं, ये 20 सालों में बहुत कुछ सीख चुके होंगे, बहुत कुछ कर चुके होंगे, और मुझे कुछ अच्छी चीजें भी नजर आई उनमें, सब्रो तो हमल का मुताबिक उन्होंने किया एकदम की नहीं, लेकिन मेरे लिए शाकिंग ये था कि जब मुल्ला तुराबी साहब ने जब आके स्टेटमेंट दी, जब इनके अंदर अपना इंतशार लड़ाइयां शुरू हुई, जिस तरह आपने फरमाया कि उन्होंने कहा कि इसके खतरा, ये बहुत बेसब्री है,
अभी दुनिया आपको असेस कर रही है और आपने उसी असेस ट्रायल पीरियड होता है ना, आप ट्रायल पीरियड में धमकियां देनी शुरू हो गए हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपको बुर्दबारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। और मैंने एक और शायद आप ही के सेगमेंट में अर्ज की थी कि तालिबान को चाहिए कि अच्छे अच्छे टेक्नोक्रेट ढूंढे जो आपके कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, आपको पांव पे खड़ा करें, आपके इमदाद के अलावा कोई और एवेन्यू ढूंढे आपकी इनकम का। इमदाद जो होती है परमानेंट इनकम का हिस्सा नहीं होती वो। आप अगर ये सोचें कि अमेरिकन वहां से निकले क्यों है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये मर्दे बीमार हो चुका है, $300 मिलियन पर डे का खर्चा आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि खुद देखें, अपने वहां पे देखें, अपनी मादरियात को देखें, अपने वहां खुद सोर्सेज देखें और अच्छे अच्छे टेक्नोक्रेट लाकर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें। अगर आप यहां से डॉलर लेंगे तो इनकी शर्तें बड़ी सख्त होंगी, आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सही, बिल्कुल आपका बहुत वैलिड स्टैंड है कि ये तो कोई परमानेंट आपका सलूशन थोड़ी है कि आप इमदाद दे देंगे। लेकिन सर एक आखिरी सवाल मुझे आपसे ये करना है कि ये जो कहा है उन्होंने कि तालिबान ने कि अगर हमारी मदद ना की गई ना किए तो बड़े खतरनाक नतीजे होंगे, तो ये धमकी क्या है कि वो क्या ये कह रहे हैं कि क्या हमले करेंगे, क्या वो 9/11 जैसे उनका मतलब क्या है, मतलब धमकी है तो क्या करेंगे वो तालिबान? मैं कहता हूं मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा, आप उसको जम को छोड़े धमकी वाले देते हैं जो आपके बराबर हो, आप खाना कैसे खाएंगे? इस रिपोर्ट के अंदर शामिल है कि 1 करोड़ और 84 लाख लोग भूख से मरेंगे, उनको हला दिया आ चुके हैं ना। ये हमारा भी तो रवैया यही होता है, हम पूरी दुनिया के चौधरी बनते हैं और खाने के लाले पड़े होते हैं, यानी ये कि लोन पर और फंड्स पर और कर्जों पर मुल्क चल रहा होता है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं हमने तो पूरी दुनिया को फतह करना है, यही तो रवैया। आलिया एक चीज मैं छोड़ी, जिस दिन यहाँ पे बिल पेश हुआ आप अपने स्टॉक मार्केट के हालात देखें, ₹172 का डॉलर है आपका, आपका पेट्रोल ₹5.25 बढ़ने वाला है। और मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा जब पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज बढ़ती है, क्योंकि आप दुकानों पे चीजें छोड़ के तो नहीं आती, वो किसी ट्रक पे आनी होती, तो आपके हालात आपके प्रेडिक्ट हो रहे हैं। मैंने बहुत अरसा पहले कहा था कि ₹180 का डॉलर दिनों में होने वाला है, लेकिन वही ना, वो कहते जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाल तो सारा जाने हैं, हमें तो वॉशिंगटन डीसी से यहां से धुएं उठते नजर आ रहे हैं, आपकी चीखों की आवाज आ रही है, लेकिन अफसोस के साथ है कि इस्लामाबाद के बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले जो हमारे लोग हैं उनके उन्होंने कानों में रुई दे रखी है और उनको नहीं पता चल रहा है कि किस साइड पे जाना है।